क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, क्या घटना हुई है? फायरिंग हुई है, तोड़फोड़ हुई है, महिलाओं के साथ मारपीट? ये देखो, ये इनके कोई रिश्तेदार है, तो चाचा ताऊ जी के लड़के हैं सब जी। एक बार नहीं, तीन बार घटना हो चुकी है। हाँ। उसके बाद इनको लिखाया भी गया था प्रशासन में, सामने चौकी है। हाँ। चौकी में बताया भी गया था, उनके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। हाँ। तीसरी बार ये हुआ, उसके बाद भी अगले ने सामने से फायरिंग की है। यहाँ देख रहे हैं मीडिया में और रिकॉर्डिंग अपने सब कुछ है, पहले ही से रिकॉर्ड कर रखा है। ये पुलिस प्रशासन जो बैठे जो तीन स्टार दो स्टार जो भी अपने, इनके सामने 25,000 रुपए लेके, उसके बाद उनने 25,000 रुपए दिए। गवर्नमेंट ने पूरा मुआवजा दिया है इन लोगों को। सर, ये कल रौनकता क्षेत्र में घटना हुई थी, मारपीट और फायरिंग का मामला क्या है? पूरी घटना रौनकता क्षेत्र में दो बच्चों को एक प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद था, जिसके लिए बाद में यहाँ पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा चुका था। इसके बावजूद कल 50% इसमें हवाई फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। इसके संबंध में दोनों बच्चों की तरफ से दलील लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सत्यता के आधार पर आगे की कार्रवाई कर दोषियों को खड़ी से खड़ी कर। इस मामले में कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें एक पक्ष, जितने भी साथ सामने आए हैं सभी को संकलित कर